आज मैं आपके लेकर आई ऑनियन सैंडविच की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। जब भी आपको बहुत जल्दी हो और टेस्टी सा सैंडविच बनाना हो तो आप ये सैंडविच बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। इसके लिए हमें चाहिएगा एक छोटा प्याज जिसे काट लें, और एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने, आप इसकी जगह 2 छोटे टमाटर भी ले सकते हैं। छोटी हरी मिर्च ली है, अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आधा गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है, यानी कि कीस लिया है। तो इन सभी को बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी चाहें तो डाल सकते हैं और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक बड़ा चम्मच फ्रेश धनिया भी डाल देते हैं कटा हुआ, और मिला लेते हैं। और ये जो मिश्रण बनाया है ये 4 सैंडविच के लिए सफिशेंट है। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ले ली है और ये व्हीट ब्रेड ली है। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हेल्दी रहती है ये तो ये ले रही हूँ। और इस पर अब ये हम मिश्रण डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच करीबन, और इसे फैला देते हैं अच्छे से। और इसके ऊपर ये दूसरी ब्रेड रख देते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल तवा लिया है और इस पर घी लगा लेते हैं और इस पर ये सैंडविच रख देते हैं। इसके ऊपर भी हम घी लगा लेते हैं और इसे हम सेकेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, और जब तक ये दोनों साइड से अच्छा सुनहरा और क्रिस्प नहीं हो जाता तब तक इसे हम सेकेंगे। करीबन एक साइड को सेकने में 30 से 40 सेकेंड ही लगेंगे। तो अब इसे हम पलटा के देख लेते हैं और ये देखिए अच्छे से ये सुनहरा हो गया है, अच्छा क्रिस्प भी हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इसे सेक लेंगे, तो इसे भी पलटा के देख लें। तो ये देखिए दोनों साइड से इसे हमने अच्छा क्रिस्प और ब्राउन कर लिया है। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना ये क्रिस्पी बना है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है। और लोहे की तवे बनाते हैं ना तो और ज़्यादा ही क्रिस्पी बनता है। इसे मैं कट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी फीलिंग है, कितना अच्छा कलरफुल ये सैंडविच बना है। और इसे बनाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस आप इसे सर्व कीजिए टोमेटो सॉस के साथ, या फिर आप ऐसे ही इंजॉय कीजिए। एक और मैं आपको बना के बताती हूँ। हम ब्रेड लेंगे, उस पर अंदर मिश्रण डालेंगे, कवर करेंगे, तवे पे घी लगाएंगे और सैंडविच को उस पर रखेंगे और गैस की फ्लेम को धीमी रखेंगे। धीमी फ्लेम पर इसे हमें दोनों साइड से सुनहरा करेंगे और ऊपर भी घी लगा लेंगे, और ये दोनों साइड से अच्छे से ये सुनहरा हो गया है। तो बस ये भी तैयार है। तो बहुत ही ये सिंपल रेसिपी है, बनाने में भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।